के सालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा गंगा दास इंटर कॉलेज परिसर की है, जहां क्षेत्रीय वन अधिकारी श्याम सुंदर त्रिपाठी ने आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश के अवसर पर पौधारोपण कर छात्र छात्राओं को जागरूक किया तथा मीडिया से रूबरू होते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी श्याम सुंदर त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के योजना के अनुसार पूरे देश में पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में बाबा गंगा दास इंटर कॉलेज केशवपुरा सालौन रायबरेली में दर्जनों पौधे रोपकर सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया। मीडिया से रूबरू होते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी श्याम सुंदर त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुने। जी, आप एक अपना परिचय बताएं। आज लाल में क्षेत्रीय वन अधिकारी सालौन विशेष त्रिपाठी और सालौन में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना है कि 13 से 15 अगस्त तक इस बीच में पौधरोपण भी कार्यक्रम चल रहा है और बाल विश्व भंडारा भी कार्यक्रम चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में आज हम इस विद्यालय में बाल विश्व भंडारा कार्यक्रम रख रहे हैं और बच्चों को ये पौधे मेरे भी द्वारा वितरित किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ को साहब जी बच्चों को दिए जा रहे हैं। आप लोग इन पौधों को ले जाइए और हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि हर पौधे को हम एक पौध लगाएंगे और उसकी अनुरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और ये जो पौधे हम आप लोग को दिए हैं, आप लोग इसको लगाएं और संकल्प से अच्छा करें। अगर आपके विद्यालय में और पौधे अगर हो सकता है तो हम देंगे, अपने विद्यालय में पौधे को लगाइए, इसे अच्छा करिए हर बच्चे को। कि मेरी माटी मेरा देश जी, इस संबंध में छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी माटी है और मेरा देश है, मेरे देश में मेरी माटी का ये संकल्प है जी। इसी के संकल्प के रहते हुए सरकार की जितनी योजनाएं हैं ये भी आप संचालित करें। हम वन विभाग से संबंधित हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं जी। हर साल सरकार वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रही है। इस साल भी पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है जी। 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में 22 करोड़ लगाया गया और 5 करोड़ पौध जो है हम लोग 15 अगस्त को लगाएंगे जी। और मेरे सालौन में 360,000 पौध का रोपण कार्यक्रम हो रहा है। 22 जुलाई को 322,500 पौधरोपण हुआ है और कल हमारे यहाँ 37,500 पौधरोपण का कार्यक्रम 3 स्थलों पर होगा, जिसमें जिला पंचायत सदस्य होंगे, ग्राम प्रधान होंगे और मुख्य अतिथि की उपस्थिति में पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। सर, एक अहम सवाल यह उठ कर आता है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पर आप मौजूद हैं, कल है, इस पर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त के ऊपर? 15 अगस्त के बच्चों का तो यह है कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में जी। स्वतंत्रता दिवस आज में हमारे शहीदों ने बड़ा शहीद किया, संकल्प किया, कुर्बानी किया, जो देश आज स्वतंत्र हुआ है उनके स्वतंत्रता की याद में हम लोग ये सब 15 अगस्त 1947 को हमेशा याद किया करते हैं कि उन्हीं के वजह से अंग्रेज पहले थे, किस तरीके उनको हटाया, हम लोग स्वतंत्र हुए, आज इंडिपेंडेंट हो गए हैं और इस स्वतंत्रता दिवस के उनकी याद में हम लोग इस तरह से मनाते हैं, ये सब कार्यक्रम हम करते हैं। और बच्चों को विशेषकर जानकारी होनी चाहिए कि हमारा देश पहले कैसा था, आज हम किस दिन में आए हैं, इसी के कार्यक्रम को सरकार जो है 15 अगस्त को।